जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों से पारस्परिक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू होता है। कंप्यूटर को चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं: यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है। यह उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंधों को सुगम करता है। यह इनपुट व आउटपुट यंत्रों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है। यह फाइलों को व्यवस्थित रखने व उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं। यह केवल लेख व अक्षरों पर चलता है। हम CUI पर लेखीय निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DIR या डायरेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कार्य कर सकते हैं। CUI का एक उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की पृष्ठभूमि चित्र वाली होती है और साथ साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं। GUI के उदाहरण हैं विंडोज XP, विंडोज XNT, विंडोज 7 और Ubuntu। GUI को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सांपत्तिक मालिकाना सॉफ्टवेयर और स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी अनुज्ञप्ति कॉपीराइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होती है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी फीस देने या भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होता है। इनका प्रयोग वैध अनुज्ञप्ति के बाद ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इनको न तो परिवर्तित न साझा कर सकता है, न ही पढ़ सकता है और न ही पुनर्वितरित कर सकता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल INC, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम व यूनिसिस। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनको उपयोगकर्ता इंटरनेट से बिना किसी फीस के डाउनलोड कर सकता है। यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर परिवर्तित करने, साझा करने और पुनर्वितरित करने की आजादी देता है, यद्यपि परिवर्तन करने के लिए कॉपीराइट अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं यूनिक्स, लिनक्स, ओरोरा UX और ओनिन सोलरिस। हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए
एवं बेचे गए ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला है। अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व स्थापित होता है। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुज्ञप्त प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रमाणित सॉफ्टवेयर विक्रेता के यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने व उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है। विंडोज विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं। डेस्कटॉप दो भागों में विभाजित होता है, मुख्य भाग या विंडोज डेस्कटॉप तथा टास्क बार। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। टास्क बार की पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर आरंभ करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं। यह आइकॉन फाइल प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट छोटे रास्ते हैं जिनके जरिए इनमें आसानी से व जल्दी से पहुंचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिज के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन व शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी उपयोजन व प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन व प्रोग्राम इन्हीं आइकॉन के द्वारा एक्सेस उपयोग किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों व सिस्टम की अन्य उपयोगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का उपयोग विंडोज पर कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या पुनः चालू कर सकते हैं। निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख व समय परिवर्तित कर सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाईं ओर दिख रहे तारीख व समय पर क्लिक करें, तब एक घड़ी व कैलेंडर प्रकट होगा। टास्क बार पर तारीख व समय पर क्लिक करें, तब समय व तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात समय व तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय व तारीख निर्धारित करें। समय व तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ को बंद। डेस्कटॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कंप्यूटर लॉग ऑन करने पर देखते हैं। आइकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दृश्य को वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अथवा लेख की चलचित्र की प्रदर्शित होती है, इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि परिवर्तित करना। आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्य से बदल सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस का दायां राइट क्लिक बटन दबाएं। तत्पश्चात
सूची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात चित्र का चयन करें और उसे डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि की नियत करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों को सुरक्षित करें। स्क्रीन सेवर नियत करना। यदि आप डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर परिवर्तित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं। पहला, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर उस माउस का दायां राइट क्लिक बटन दबाएं। तत्पश्चात सूची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें। तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुनें। तत्पश्चात स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतीक्षा समय के मिनट निर्धारित करें। तत्पश्चात प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें। तब निर्धारित बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर को निर्धारित करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों को सुरक्षित करें। अब रोहन यह याद रखें कि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम व व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। ढेर सारी फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फाइल या फोल्डर बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं, उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नए फोल्डर पर क्लिक करें। नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का चयन करें और उसे खोलें। उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर सृजित हो जाएगा। फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरण करें। पहले स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं, उस पर डबल क्लिक करें। उसे फोल्डर के अंदर जिस सब फोल्डर या फाइल को आप खोलना चाहते हैं पर डबल क्लिक करें। फाइल या फोल्डर को कैसे संरक्षित करें या नाम बदलें? जब आप डी ड्राइव में फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल बनाते हैं, तो स्वचालित रूप से न्यू फोल्डर या न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से संरक्षित हो जाता है। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। नए पॉपअप में नाम परिवर्तित करें, रीनेम चुनें, नया नाम लिखें और एंटर दबाएं। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम परिवर्तित हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सहायक सामग्री होती हैं, जो अत्यंत उपयोगी होती हैं। हम इन उपयोगी सामग्रियों में से कुछ के विषय में सीखते हैं। इन उपयोगी सामग्रियों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। संबंधित एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्तित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अथवा मौजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं। आप चित्र की प्रति लेकर किसी अन्य प्रलेख पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं।
हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। एक्सेसरीज पर क्लिक करें और पेंट को चुनाव करें। तब पेंट विंडो दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि पेंट विंडो चार भागों में विभाजित है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, ड्राइंग एरिया एवं रिबन। पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं। पेंट बटन के विभिन्न विकल्प हैं। खोलें, ओपन, नया, न्यू, संरक्षित करें, सेव और छापें, प्रिंट। क्विक एक्सेस टूलबार अक्सर प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे सेव, रीडू और अंडू तुरंत उपलब्ध कराने में आपकी सहायता करता है। रिबन में दो टैब होती हैं, होम और व्यू। होम टैब उन उपकरणों को उपलब्ध कराता है जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयुक्त होते हैं। यह क्लिपबोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आदि होते हैं। क्लिपबोर्ड में तीन विकल्प होते हैं, कट, कॉपी व पेस्ट। जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप पेंट पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं, प्रतिलिपि या प्रतिबिंब बना सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं। यह विकल्प एक ही विषय को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। प्रतिबिंब का चुनाव आपको उन विषयों को चुनने व संपादित करने में सहायता करता है जिनको आप चयनित करना चाहते हैं, काट छाट करना चाहते हैं, आकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा घुमाना चाहते हैं। उपकरण टूल का चयन आपको विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराता है जिससे आप आकृति बना व संपादित कर सकते हैं। यह उपकरण है पेंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बड़ा करना। ब्रश में नीचे की ओर खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रशों का चयन कर सकते हैं। आकृतियाँ विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन्न आकृतियाँ दे सकते हैं। रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन्न रंग भर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। दीदी, तुमने यह भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के विपरीत यहाँ मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध है, क्या तुम इसके बारे में और ज्यादा जानती हो? हाँ रोहन, लिनक्स एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलो हम इस पर नजर डालते हैं। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जाना माना वर्जन है जो लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया है। लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। लिनक्स की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही गतिशील है। उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। लिनक्स को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, फ्री डाउनलोड अथवा वितरण का उपयोग कर। लिनक्स दुनिया भर में करोड़ों उपयोगकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। लिनक्स के सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। लिनक्स उपयोग करने का एक वैकल्पिक रास्ता है जो विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विविध प्रकार के एप्लीकेशन व इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो लिनक्स के अधिष्ठापन को आसान कर देते हैं।
एक बहुत प्रसिद्ध लिनक्स का वितरण करता होता है जिसे Ubuntu कहते हैं, जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है। अब हमें Ubuntu के बारे में सीखना चाहिए। Ubuntu एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगह चलाया जाता है। Ubuntu में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा एंड्रॉइड जैसे दूसरे प्रचलित ऑपरेटिंग की तरह बनाता है। Ubuntu के वर्जन 12.10 डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण के रूप में यूनिटी का उपयोग करता है। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और दो बार रखता है जिसे मेन्यू बार और लॉन्चर कहते हैं। मेन्यू बार डेस्कटॉप के शीर्ष पर स्थित क्षैतिज पट्टी है। लॉन्चर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यू बार के बाईं तरफ होती है। मेन्यू बार में सामान्य कार्य शामिल होते हैं जो Ubuntu 12.10 में उपयोग होते हैं, जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक क्षेत्र कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड लेआउट चुनने और कीबोर्ड प्राथमिकताओं को बदलने की अनुमति देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है जो तत्काल इंस्टेंट मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन और दूसरे समान एप्लीकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्क सूचक आपको तारयुक्त अथवा तारमुक्त नेटवर्क को आसानी से जोड़ने और नेटवर्क कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। ध्वनि सूचक ध्वनि की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उपयोग अपने म्यूजिक प्लेयर और ध्वनि सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और कैलेंडर समय और तारीख सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। यूजर मेन्यू आपको अलग अलग उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन सामग्री और उपयोगकर्ता खातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमति देता है। एक सत्र या सेशन सूचक सिस्टम सेटिंग का उपयोग करने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉक करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लॉग आउट होने, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लीकेशन में विभिन्न कार्य जैसे परिवर्तन करने, देखने आदि को निष्पादित किए जा सकते हैं। अन्य GUI वातावरण के विपरीत यूटिलिटी में आवेदन मेन मेन्यू बार के बाईं ओर स्थित है। एक विशिष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्कटॉप के मेन्यू बार पर आवेदन आइकन के लिए माउस को स्थानांतरित कर सकते हैं। यह डेस्कटॉप के मेन्यू बार में खुद को ऊपर रखकर एप्लीकेशन को सक्षम करेगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाने पर डेस्कटॉप फिर से दिखाई देने लगता है। यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लीकेशन दिखाता है, एप्लीकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है, जब ये नेटबुक और लैपटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है। ऊर्ध्वाधर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाईं तरफ होते हैं लॉन्चर कहलाते हैं। जब यह लॉन्चर चलाया जाता है तो यह सक्रिय आइकन्स के एप्लीकेशनों को आसान पहुंच प्रदान करता है। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निर्णायक खोज व मूल तत्व है। एक एप्लीकेशन को लॉन्चर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। फोरग्राउंड में एप्लीकेशन अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोण के द्वारा संकेतिक किया जाता है। लॉन्चर के द्वारा एप्लीकेशन जोड़ना और हटाना। एक एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए लॉन्चर के एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करके और लॉन्चर के लॉक का चयन करके एप्लीकेशन को रन करें। लॉन्चर से एक एप्लीकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर अनलॉक से लॉन्चर का चयन करें। डैश एक औजार है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर एप्लीकेशन व फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं व उन तक पहुंच सकते हैं।
डैश का पता लगाने के लिए लॉन्चर के सबसे ऊपर वाले आइकॉन जिस पर अबंटू का प्रतीक चिन्ह बना हो पर क्लिक करें। डैश आइकन का चयन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे ऊपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लीकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा। डैश आपको स्थानीय स्तर व सुदूर की सूचनाएं खोजने की अनुमति देता है। डैश की मुख्य विशेषताएं। डैश की दो मुख्य विशेषताएं हैं, फाइलें व फोल्डर ढूंढना और एप्लीकेशन को ढूंढना। वर्कस्पेस आपको एप्लीकेशन को एक समूह में करने की अनुमति है जो अव्यवस्था को कम करता है और डेस्कटॉप नेविगेशन में सुधार लाता है। मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेस होते हैं। एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉन्चर पर वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें। यह एप्लीकेशन आपको एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने की अनुमति देता है। विंडोज को बंद करना, अधिकतम करना, न्यूनतम करना व बहाल करना। न्यूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पड़ने वाली स्क्रीन से हटाकर उसे लॉन्चर में रखा देता है। अधिकतम बटन एप्लीकेशन को विंडोज की पूरी स्क्रीन पर फैला देता है। विंडोज को बंद करने के लिए विंडो के ऊपर बाएं कोने पर दिए हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करें। विंडो को वर्कस्पेस पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए माउस के पॉइंट को विंडो के टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बाएं बटन से क्लिक करें तथा बाएं बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खींचें। विंडो का आकार बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे रीसाइज आइकॉन कहते हैं। माउस के बाएं बटन से क्लिक करें तथा बाएं बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खींचें। कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं। सीधे लॉन्चर के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुंचना, या सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले फोल्डरों व हाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल व फोल्डर टूल का प्रयोग करना। गो मेन्यू सामान्यतः प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सूची होती है। गो में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे ऊपर ले जाएं और गो को चुनें। तब इस मेन्यू कंप्यूटर पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर की फाइलें खोजें। यदि आप होम नेटवर्क स्थापित करते हैं तो आपको साझा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा। होम फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के लॉगिन नाम से मेल खाता है। इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं। इसमें डेस्कटॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियो शामिल हैं। नॉटिलस फाइल मैनेजर। जैसे विंडो के पास फाइल व फोल्डरों को खोजने के लिए विंडो एक्सप्लोरर होता है, उसी प्रकार अबंटू फाइल व फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करता है। दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहाँ है? नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो, नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी। डिफॉल्ट विंडो में निम्न विशेषताएं होती हैं। मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, बायां पैन व दायां पैन। नॉटिलस नेविगेट करने के निम्न पद हैं। फोल्डरों के बीच नेविगेट करने के लिए नॉटिलस फाइल मैनेजर के बाएं पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें। वापस जाने के लिए पाथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें। एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे नेविगेट करने में सहायता करेगा। नॉटिलस के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दायां क्लिक करें और ओपन विथ के विकल्पों में एक को चुनें। नॉटिलस में एक नया फोल्डर बनाने व सेव करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ट फोल्डर का नाम, अनटाइटल्ड फोल्डर को इच्छानुसार नाम दें। यह नॉटिलस में सुरक्षित हो जाएगा।
फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या प्रतिलिपि बनाने के स्टेप्स हैं। पहले एडिट पर क्लिक करें, फिर आइटम पर क्लिक करें अथवा राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से कॉपी चुनें। अब आप कॉपी की गई फाइल को इच्छित स्थान पर पेस्ट करें। कई नॉटिलस विंडोज का प्रयोग करना। आप निम्न प्रकार से कई नॉटिलस विंडो भी खोल सकते हैं। पहले फाइल बनाएं, तब न्यू विंडो पर क्लिक करें। यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्रैग करने की अनुमति देगा। नया टैब खोलने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें, फिर न्यू टैब। फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान के ऊपर दो टैब युक्त एक नई पंक्ति खुलेगी। दूसरा पैन खोलने के लिए व्यू पर क्लिक करें, फिर एक्स्ट्रा पैन पर। यह आपको टैब या विंडो के मध्य स्विच किए बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है। आप नॉटिलस या डैश का प्रयोग कर फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं। पहले नॉटिलस में गो सर्च फॉर फाइल पर क्लिक करें या कंट्रोल के साथ F दबाएं, फिर जो खोजना चाहते हो उसे टाइप करें। डैश में सबसे ऊपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें। Ubuntu में लिब्रे ऑफिस सबसे अधिक लोकप्रिय सुइट है, जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है। यह भी वैसी ही कार्यप्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, सिर्फ इसके कि यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है। इन सभी एप्लीकेशनों तक लॉन्चर के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसमें निम्न घटक शामिल हैं, जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नामों से पाए जाते हैं: राइटर, वर्ड प्रोसेसर, क्लैक स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रॉ ड्राइंग शीट, बेस डाटाबेस, मैथ इक्वेशन एडिटर। क्या मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेयर के विषय में सीखना मजेदार नहीं था? चलो अब हम लोग मजेदार गतिविधि में भाग लेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। दीदी, क्या मोबाइल फोन व टैबलेट भी कंप्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं? हाँ रोहन, आजकल मोबाइल फोन व टैबलेट भी पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं। साथ ही साथ अन्य खूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेल्यूलर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर व अन्य विशेषताएं। अधिकांश मोबाइल फोनों में एंड्रॉयड, विंडोज अथवा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओह, मैं मोबाइल फोनों के विषय में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि एक मोबाइल फोन में विभिन्न सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यह सीखते हैं कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए कीपैड पर फोन नंबर टाइप करें। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टैप दें। आप स्क्रीन पर नंबर पैड देखेंगे। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं उसे टाइप करें। उसके बाद बाईं तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं। स्मार्टफोन होने पर हरे बटन पर टैप दें। स्क्रीन दर्शाएगी कि नंबर डायल हो रहा है, कि कनेक्ट हो रहा है। इस तरह आप कॉल कर सकते हैं। कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं अथवा लाल बटन पर टैप दें। अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें अथवा निरस्त कैसे करें। जब आपके फोन की घंटी बजे तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं। स्मार्टफोन होने पर बाएं से दाएं स्वाइप करें।
कॉल निरस्त करने के लिए लाल बटन दबाएं। स्मार्टफोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें। हम पिछले में लाए गए नंबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है, पहले होम स्क्रीन पर बाईं तरफ के हरे बटन को दबाएं। यह सभी डायल किए गए, प्राप्त किए गए व छूटे नंबरों की सूची दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। यह सभी डायल किए गए, प्राप्त किए गए व छूटे नंबरों की सूची दिखाएगा। उसके पश्चात नंबर चुनें और हरा बटन दबाएं। इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें, नंबर की डायल होने लगेगा। आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं। पहले स्टैंडबाय मोड में मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें, तब कॉल रजिस्टर या कॉल इतिहास या कॉल लॉग चुनें। उसके बाद यह प्राप्त कॉल, छूटी कॉल, डायल की गई कॉल के तीन टैब दिखाएगा। फिर जिस टैब को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यह आपको कॉलों की सूची, समय व तिथि के साथ दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर सभी कॉलें एक ही सूची में दिखेंगी। हरा तीर प्राप्त कॉलें, नीला तीर डायल की गई कॉलें व लाल तीर छूटी कॉलें दर्शाता है। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं या उस पर संदेश भेज सकते हैं। फोन में ध्वनि का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं। सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं, फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ऑडियो विकल्प चुनें। उसके बाद साउंड मेन्यू में वॉल्यूम विकल्प ढूंढें। रिंगर या रिंगटोन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं। अंत में स्पीकर विकल्प पर चुनें व कीपैड को ऊपर नीचे कर वॉल्यूम लेवल सेट करें। आपके स्मार्टफोन में आवाज नियंत्रित करने वाले बटन बाहर होते हैं, मात्र इधर उधर दबाकर आवाज की प्रबलता नियंत्रित की जाती है। मैं अपने मित्र का फोन नंबर व अमित का नाम शामिल करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप नया संपर्क ऐसे जोड़ सकते हैं। जब फोन स्टैंडबाय मोड में हो तो मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें, तब मेन्यू विकल्प में अपने फोन की फोन बुक पर जाएं। यह होम स्क्रीन पर फोन के एक चित्र अथवा शब्द फोन, फोन बुक या संपर्क से दिखाई गई होगी। अब उपलब्ध विकल्पों में न्यू कॉन्टैक्ट का चयन करें। पहले जिस संपर्क को आप जोड़ना चाहते हैं उसका नंबर एरिया कोड स्क्रीन पर दिखने वाले फॉर्म पर भरें। स्मार्टफोन में नंबर पैड व अंक टाइप करें। ऐड टू कॉन्टैक्ट पर टैप दें और तब क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर, और तब फॉर्म में उपयुक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला व अंतिम नाम लिखें। तब उसे संरक्षित करने के लिए सेव या ऐड टू कॉन्टैक्ट दबाएं। टैप देना सुनिश्चित करें। अब नया संपर्क अपने मोबाइल में जुड़ जाएगा। फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विवरण में एडिट करने के लिए संपर्क का नाम चुनें, एडिट का चयन करें, टैप दें, सही विवरण टाइप करें और फिर सेव का चयन करें, टैप दें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं। पहले स्टैंडबाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब संदेश सेवा, फिर लिखित संदेश, फिर संदेश बनाए का चयन करें। एक स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन ढूंढें, उस पर टैप दें। आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी। संदेश बनाए, संदेश लिखें को चुनें। स्मार्टफोन में राइट मैसेज आइकन पर टैप करें। टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखें। चित्र या कुछ अन्य जोड़ने के लिए विकल्प का चयन करें, फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाएं। स्क्रॉल कर नीचे वांछित पिक्चर या ऑब्जेक्ट आए, व्यू फिर इंसर्ट दबाएं। नियत स्थान पर प्राप्तकर्ता का नंबर लिखें अथवा यदि आप सुरक्षित किए हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं तो फोन बुक पर क्लिक करें। संपर्क का चयन कर ओके पर क्लिक करें। स्मार्टफोन में प्राप्तकर्ता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें। आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट बुक से नामों की सूची प्रकट होगी। वांछित नाम पर टैप दें। भेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें या टैप दें। प्राप्तकर्ता को मैसेज भेज दिया जाएगा। मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें।
टैप दें। आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं। जब आपको संदेश प्राप्त होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे। आप स्क्रीन पर एक बॉक्स में एक मैसेज रिसीव्ड लिखा हुआ देखेंगे। नए संदेश को देखने के लिए शो दबाएं। संदेश पढ़ें। दीदी, क्या हम मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो। यह तो बहुत अच्छा है। मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोबाइल फोन जो इंटरनेट एक्सेस या उपयोग को समर्थित करता हो, एक मोबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरण का समर्थन करती हो, जैसे 2G, 3G और वाईफाई। फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुंचने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता। बहुत सारे मोबाइल फोन डाटा अकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं। यदि आपका नहीं है तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र से बात करनी चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं। पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर नेविगेट करें। स्मार्टफोनों में यह एप्स मेन्यू के सेटिंग आइकॉन के माध्यम से या कभी कभी नोटिफिकेशन बार के माध्यम से किया जा सकता है। सेटिंग मेन्यू में आपको वायरलेस व नेटवर्क सेटिंग्स खोजनी होगी। ज्यादातर उपकरणों में मोर या मोर सेटिंग्स बटन जो भी उपलब्ध हो उस पर क्लिक करें। जब वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग हो जाती हैं, तो आप इंटरनेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकते हैं। वाईफाई से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले सेटिंग विकल्प से अथवा नोटिफिकेशन मेन्यू में वाईफाई बटन को क्लिक करके वाईफाई विकल्प को चालू करें। तब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी। यदि आपने वाईफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो यह ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा, अन्यथा आपको वाईफाई नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा। यदि पासवर्ड की आवश्यकता हो तो उसे इंटर करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें। इंटरनेट के लिए मोबाइल नेटवर्क जोड़ना। पहले वायरलेस व नेटवर्क विकल्प में अधिक सेटिंग या मोर सेटिंग विकल्प पर जाएं, तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। वहां आपको मोबाइल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा। अब इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें। कीपैड आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। पहले मेन्यू में जाएं, फिर इंटरनेट चुनें। तब या तो होम पेज का चयन करें, अन्यथा होम स्क्रीन में 0 को कुछ क्षण के लिए दबाकर रखें। उसके पश्चात वेब एड्रेस एंटर करें और गो टू एड्रेस का चयन करें। तब एड्रेस एंटर करें और ठीक है का चयन करें। वेब खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का चयन करें और खोजे जाने वाले विषय को दर्ज करें और सर्च का चयन करें। मेरे मोबाइल में रेडियो है, मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकॉन पर टैप दें, फिर फोन को संगत हैंडसेट से जोड़ें। यह एक एंटीना की तरह कार्य करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक अथवा मैनुअल ट्यूनिंग विकल्प का चयन करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं का चयन करें। चैनल सेव करें का विकल्प चुन चैनल सुरक्षित करें। तब ऊपर नीचे स्क्रॉल कर वॉल्यूम सेट करें। रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चयन करें, टैप दें। मुझे यह भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गाना कैसे बजाते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब फोन में उपलब्ध एप्लीकेशन को देखने के लिए मल्टीमीडिया मेन्यू खोलें। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया या गैलरी के रूप में दर्शाया गया हो सकता है। तब म्यूजिक या साउंड का चयन करें। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकॉन पर टैप दें। अपने मीडिया प्लेयर पर उपलब्ध गाने ब्राउज करें व उनमें से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का चयन कर बजाएं। गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनः बजने देने के लिए प्ले पॉज प्ले को दबाएं, टैप दें। एक ही बटन प्ले और पॉज के लिए कार्य करता है। म्यूजिक प्लेयर से निकलने के लिए बाईं तरफ के लाल बटन को दबाएं।
स्मार्टफोन में पॉज बटन टैप दें। आपको अपने फोन पर गाने स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड की आवश्यकता होगी। अब यहाँ कुछ तरीके हैं कि मोबाइल फोन से फोटो कैसे लें। पहले स्टैंडबाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब मीडिया चुनें और फिर कैमरा चुनें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकॉन ढूंढकर उस पर टैप दें, तब डिस्प्ले स्क्रीन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें। ऊपर नीचे खिसकाकर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर अथवा सिकोड़कर स्क्रीन को फैलाकर डिस्प्ले का आकार बड़ा व छोटा कर सकते हैं। फोटो लेने के लिए सिलेक्ट या हाँ बटन का चयन करें। स्मार्टफोन में कैमरा आइकॉन ढूंढकर उस पर टैप कर फोटो खींचें। सेव बटन को दबाकर फोटो सेव करें। स्मार्टफोन में फोटो एल्बम या गैलरी में स्वयं ही सेव हो जाती है। यह कुछ तरीके हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। मेन्यू में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरे का चयन करें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकॉन पर टैप दें, तब स्क्रीन के प्रदर्शन को व्यू फाउंडर की तरह प्रयोग करें। जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऊपर नीचे स्क्रॉल करें। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर अथवा सिकोड़कर से स्क्रीन पर प्रदर्शन क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए रिकॉर्ड को चुनें। स्मार्टफोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आइकॉन पर टैप दें। रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए स्टॉप दबाएं। स्मार्टफोन में होने पर लाल आइकॉन पर फिर से टैप दें। संरक्षित करें, बटन को दबाकर फोटो सुरक्षित करें। स्मार्टफोन में फोटो एल्बम या गैलरी में स्वयं ही संरक्षित हो जाती है। मोबाइल फोन व स्मार्टफोन तीव्र गणना के लिए उपयोगी हैं। यह कैसे संभव है? कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने के तरीके हैं। पहले स्टैंडबाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब ऑर्गेनाइजर और फिर कैलकुलेटर का चयन करें। स्मार्टफोन होने पर में कैलकुलेटर आइकॉन मेन्यू में ढूंढे और उस पर टैप दें। फोन के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखें, फिर जोड़ने घटाने गुणा करने व भाग फंक्शन का चयन करें, फिर दूसरा अंक लिखें। उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टैप दें। धन्यवाद दीदी, आपके कारण मुझे मोबाइल फोनों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई। मुझे टैबलेट में भी दिलचस्पी है, क्या आप उनके बारे में जानती हैं? हाँ बिल्कुल रोहन, चलो हम टैबलेट के बारे में जानते हैं। टैबलेट कंप्यूटर के छोटे हल्के और अधिक प्रबंधनीय रूप हैं। वे तार रहित व ले जाने योग्य यंत्र हैं, जिनमें सूचनाओं तक पहुंचने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इनपुट की तरह प्रयोग होता है। टैबलेट में वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI उपलब्ध कराते हैं और एप्लीकेशनों को चला सकते हैं। टैबलेट के सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एंड्रॉयड, विंडोज व iOS। टैबलेट मुख्यतः दो भागों में बांटे जा सकते हैं, फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना। टैबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए खांचा बना होता है। आपको कॉल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए एक सिम कार्ड तथा किसी मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन की आवश्यकता होगी। टैबलेट जिसमें कॉल सुविधा नहीं होती है उसमें सिम कार्ड के लिए स्लॉट नहीं होगा, लेकिन उसमें अन्य सभी विशेषताएं समान होती हैं। तब भी आप इंटरनेट के प्रयोग से कॉल करने में समर्थ होंगे। चलो अब हम टैबलेट की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अधिकतर टैबलेट निम्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग होते हैं। कॉल करने के लिए, कॉल प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए, गाने सुनने के लिए, फोटो खींचने व वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ई पुस्तकें पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए, म्यूजिक फोटो व वीडियो अन्य से साझा करने के लिए। निम्न तरीके से टैबलेट पर म्यूजिक सुना जा सकता है। सर्वप्रथम एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं, तब म्यूजिक पर टैप देकर पार्श्व या बैकग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें। अब आपको म्यूजिक फाइल सूची को हाल ही में एल्बम कलाकार, गीत, प्लेलिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चयन करके वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर गानों को एक सेकंड के लिए दबाएं, टैप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी। इसके बाद आप प्ले, ऐड टू प्लेलिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट,
डिलीट या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तब प्ले पर टैप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टैप दें। निम्न तरीके से टैबलेट में फोटो खींची जा सकती है। सर्वप्रथम एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टैप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें। तब फोटो मोड चुनने इच्छित फोटो मोड पर टैप दें। कैमरे को विषय की ओर केंद्रित करें। ऑटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और दबाए रखें। फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं। टैबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्वप्रथम एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टैप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें। तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किए हुए आइकॉन पर टैप दें। कैमरे को विषय की ओर केंद्रित करें। टैप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए टैप दें। फोटो व रिकॉर्ड किए गए वीडियो मिटाने के स्टेप्स हैं। जिस फोटो या वीडियो को आप मिटाना चाहते हैं, इसे खोजें। ट्रैश आइकॉन दिखाई दिए जाने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टैप दें। आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं। पहले एल्बम ढूंढकर उस पर टैप दें। फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं, उस पर टैप दें। आगे की फोटो देखने के लिए बाईं ओर धकेलें तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाईं ओर धकेलें। वीडियो देखने के लिए निम्न का अनुसरण करें। मेन्यू से पिक्चर अथवा एल्बम टैप खोलें। अब ग्रिड व्यू अथवा लिस्ट व्यू का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोलें। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टैप दें। यदि प्लेबैक नियंत्रण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। वीडियो रोकने के निम्न पद हैं। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक नियंत्रण देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए पॉज या रीस्टार्ट पर टैप दें। वीडियो पीछे करना अथवा तेजी से आगे बढ़ाने के पद हैं। जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक नियंत्रण देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेस बार मार्कर को दाईं ओर और पीछे ले जाने के लिए बाईं ओर खींचें। टैबलेट में ईबुक पढ़ने के लिए पहले टैबलेट में इंस्टॉल किए हुए डिफॉल्ट बुक रीडर पर जाएं, फिर बुक रीडर आइकॉन पर टैप दें। उसके बाद पूर्व स्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चयन करें। फिर किताब पढ़ना प्रारंभ करने के लिए बुक्स आइकॉन पर टैप दें। मैंने सुना है कि आप टैबलेट से ईमेल भेज व प्राप्त कर सकते हैं। हाँ रोहन, टैबलेट पर इंस्टॉल किए हुए विशिष्ट एप्लीकेशनों का प्रयोग करके लगभग सभी पॉपअप या IMAP ईमेल पतों का उपयोग ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको टैबलेट में ईमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। मेन्यू में इंटरनेट ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक करें, फिर ईमेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्ष पर एक क्षैतिज बार होगा। जिस ईमेल सर्विस प्रदाता का उपयोग करना चाहते हों, उसका URL एंटर करें। उदाहरण के लिए www.gmail.com। अब दिए गए स्थान पर यूजर नेम व पासवर्ड डालें व साइन इन पर टैप दें। यहाँ इस पृष्ठ पर कंपोज या राइट न्यू पर टैप दें। नई विंडो में सेवा में के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता का ईमेल ID एंटर करें। विषय के क्षेत्र में विषय एंटर करें। बीच के खाली स्थान में संदेश एंटर करें। तत्पश्चात सेंड आइकॉन पर टैप दें। प्राप्त ईमेल को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई ईमेल प्राप्त होगी तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक लिफाफा बनकर आएगा। आइकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं। यथाक्रम मेन्यू में ईमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं। अब आइकॉन पर टैप दें। स्क्रीन पर आपका मेल इनबॉक्स खुल जाएगा। ईमेल पर टैप दें और उसे पढ़ें। हम किसी फाइल को टैबलेट पर कैसे ढूंढते हैं? टैबलेट में फाइल या फोल्डर ढूंढने के दो तरीके हैं। आप या तो टैबलेट पर स्थापित फाइल मैनेजर का प्रयोग करें या तो होम स्क्रीन पर स्थित ऑनलाइन सर्च इंजन का प्रयोग करें। फाइल मैनेजर का प्रयोग करके होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउजर ऐप ढूंढें। उस पर टैप दें। यह सबसे ऊपर माय फाइल दिखाएगा। सूची से वांछित फाइल या फोल्डर को ढूंढें,
उसे खोलने के लिए उस पर टैप दें। सर्च इंजन का प्रयोग करके होम स्क्रीन पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखने वाले सर्च आइकॉन को ढूंढें, उस पर टैप दें, जिससे एक नई विंडो प्रकट होगी। आप देखेंगे कि उस पर एक क्षैतिज टैप में सर्च लिखा होगा। उसमें जो सूचना आप ढूंढना चाहते हैं, उसके पहचान शब्द लिखें। ऑनलाइन सर्च का परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको खोलने के लिए वांछित पर टैप दें।